हेलो बच्चों माई सेल्फ कैलाश धाकड़ के डी फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जे 2024 एडवांस का मैथ्स का पेपर वन जिसके फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस आप देख चुके हैं अपन नेक्स्ट सिक्स टू टेन के क्वेश्चंस देख रहे हैं और तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हैं इसको कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से है लेट आर स्क्वायर डिनोट नोट आर क्रॉस आर ये तो अपन जानते ही है सेट एस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट ए कोमा बी कोमा सी राइट ए बी सी रियल नंबर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर क्वाड्रेटिक भी डाल दिया आप समझिए। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सपोज इसको एक्स में क्वाड्रेटिक बोलता हूं मैं तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू वाई इंटू एक्स टू बी वाई इंटू एक्स राइट टू बी वाई इन टू एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एक्स में क्वाड्रेटिक बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड देन इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करें क्या डिस्क्रिमेंट फोर बी स्क्वायर है square, ना वाई स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाई स्क्वायर ज लेस देन जीरो दिस गिवस अस बी स्क्वायर लेस देन ए सी तो ए पॉजिटिव होना चाहिए बी स्क्वायर ए सी से स्मॉलर होना चाहिए और यहां पर सिमिलरली आप समझिए एक्स जीरो पर भी पॉजिटिव होगा तो ऑफकोर्स सी भी पॉजिटिव होगा ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर लेस देन ए सी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन मुझे गिवन है तो ए बी सी की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है टिस्फाई दिस कंडीशन कौन सी कंडीशन ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर लेस देन ए सी इनको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाट्स पॉसिबल है तो वो एलिमेंट ऑफ सेट एस हो गए जो भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स है ओल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट एस अब देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो सबसे पहले देखिए टू कोमा सेवन बाई टू कोमा सिक्स बिलोंग्स टू एस तो क्या ये ए बी सी इस कंडीशन को सेटिसफाई कर रहे हैं आपको जस्ट चेक करना ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव वेदर बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी और नॉट तो आप देखेंगे बी स्क्वायर कितना आएगा फोर्टी नाइन बाई फोर विच इज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव और ए सी आएगा ट्वेल्व तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहां पर बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी है ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया नाउ ये चेक करें इफ दिस बिलोंग्स टू एस ए और सी तो पॉजिटिव है सी बी स्क्वायर लेस देन एसी होना चाहिए तो बी स्क्स देन बाई फोर आप इसको लिखे फोर बी स्क्वायर लेस देन देख मोड टू बी लेस देन आपका ट्रू स्टेटमेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस है सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दो स्टेटलाइन गिवन है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन एंड बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू माइनस वन यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए स्ट्रेट लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए तो लाइन्स कब इंटरसेक्ट करेगी बच्चों ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन सी मीन्स ए सी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू तो वो तो ऑब्वियसली गिवन है जो भी एबीसी एस को बिलोंग करेगा उसमें बी स्क्वायर लेस देन ए सी है तो ऑफकोर्स बी स्क्वायर एसी के इक्वल नहीं है तो फिर इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा ये भी ट्रू स्टेटमेंट है नाउ कम टू द नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस यूनिक सोल्यूशन ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजन तो एक तो ओरिजन इसका सोल्यूशन है ही सी अब ओरिजन के अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं होना चाहिए मीन्स ये लाइन्स भी क्या होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग तो अगेन इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या कंडीशन लिखूंगा यहां पर वही ए प्लस वन अपॉन बी शुड नॉट इक्वल टू बी अपन सी प्लस वन तो जरा चेक करें ये इक्वल होगा या नहीं चेक किया तो क्या आया ए सी प्लस ए प्लस सी प्लस वन इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर ये मुझे देखना है क्या ये है तो अपन ने पता है ए सी इज मोर देन बी स्क्वायर और उसमें फिर कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड किया सिंस ए इज पॉजिटिव सी इज पॉजिटिव वन इज पॉजिटिव तो ए सी ऑलरेडी बी स्क्वायर से ग्रेटर है फिर उसमें कुछ और पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो ऑफकोर्स ये बी स्क्वायर से ग्रेटर आएगा मीन्स ये दोनों लाइन्स भी इंटरसेक्ट ही करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने पॉइंट पर एक यूनिक पॉइंट पर तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है तो एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत टिपिकल नहीं है बट वो आपको सेट वगैरह ऐसे दे दे देते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा टफ है अदरवाइज इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन इजी भी नहीं बोल सकते मॉडरेट में अपन काउंट करेंगे इसको नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवन ये थ्री का वेक्टर थ्री का एक इजी सा क्वेश्चन है और इनफैक्ट मैं तो क्या बोलूंगा इजी क्या एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड देखिए क्या लिखा बट वो है कि जैसा आप पहले से अपन देख रहे हैं कुछ सालों से लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी बना देते हैं कि आपको देख के लगता क्या हो और बड़ा खोफनाक सा क्वेश्चन है बट है कुछ नहीं है इसमें टू पॉइंट पी वन टू थ्री क्यू फोर टू सेवन और यह बोला कि है, X, points, लिखा S, वो कर दिया। जैसे आज कल ट्रेंड चल रहा है कि सेट घुसा देना है तो सेट एस एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब वही आरक्यूब थ्री डायमेंशन स्पेस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी माइनस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड क्यू इजिकल टू फिफ्टी तो सपोज अपन एक्स पॉइंट मान लेते हैं दिस इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड तो इससे क्या हो जाएगा लोकस ऑफ एक्स मिल जाएगा मुझे कैपिटल एक्स जो बोल रहे हैं तो आप यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और सब करें कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस फोर स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू स्क्वायर माइनस जेड माइनस सेवन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फिफ्टी सोल्व करें आपको इसको सोल्व करेंगे तो इट गिव्स अस सिक्स एक्स प्लस एट वाई और यह आएगा माइनस वन जीरो फाइव इज इक्वल टू जीरो तो आ गया लोकस ऑफ पॉइंट एक्स जो ये वेरिएबल पॉइंट अपने एक्स एज्यूम किया उसका लोकस तो एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये किसकी इक्वेशन है बच्चों ये एक प्लेन right? तो पर कोईम पॉइंट हो सकता है लोकस ऑफ एक्समिलरली टी ये टी तो यहां क्या किया लिख दिया पी बाद में लिखा है तो डिफरेंस 50 करेंगे तो यहां माइनस फिफ्टी आ जाएगा दोबारा से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं यहां माइनस फिफ्टी इधर माइनस फिफ्टी फाइव था तो इसका लोकस आएगा सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो आ जाएगा लोकस ऑफ वाई अब समझे जरा अपन क्या कह रहे एंड वाई दो वेरिएबल पॉइंट पॉइंट एक्स लाइज ऑन दिस प्लेन वेल पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन एंड टू दिसन आर पैरल प्लेन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरल प्लेन इज टेन यूनिट आप देखें 100 अपॉन टेन राइट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल प्लेन आप निकाल सकते हैं तो दो पैरल प्लेन हो गए जिनकी बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है

द्लेन सिक्स एक्स प्लस एट वाई इजिकल टू फाइव तो यह ऐसे बोल रहा है देर आर टू डिस्टिंगल टू फाइव सच देट ईट ऑन दाइन सेगमेंट एल एम ऑल्सो लाइ ऑन द्लेन दिस ऑब्वियस बात है जब एक प्लेन पर दो पॉइंट लेके आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो वो लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा उस प्लेन पर ही आएगा तो इनफैक्ट उस लाइन सेगमेंट पर जो भी पॉइंट होगा दट विल सेटिस्फाई द प्लेन इट्स ऑब्वियस ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट जरा सी पर आए देर आर इन्फाइनिटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर फोर्टी एट टू ऑफ हु तो यह बोल रहा है कि देर आर इन्फाइनिटली मैनी रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर फोर्टी एट यूनिट फोर्टी एट यूनिट पेरीमीटर के अपने को रेक्टेंगल बनाने हैं जिसके दो वर्टिस प्लेन पे हो और दो वर्टी इस प्लेन पे हो दो पैरल प्लेन जिनके बीच की डिस्टेंस टेन यूनिट है तो ऑब्वियसली बन जाएगा आप सिंपल सी बात है कि दो लाइन तो ऐसी बना दो ये तेन, तेन हो गई ठीक है अब ऊपर फोर्टीन यूनिट की दो लाइन बन जाएगी पैरल एक ऊपर वाले प्लेन में एक नीचे वाले प्लेन में तो बड़ा सिंपल सा है कुछ नहीं है ऑब्वियसली पॉसिबल है जब दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस टेन है एक साइड तो ऐसे ले, ले लो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल ले लें फोर्टीन यूनिट की दो साइड ले लें तो ये भी बड़ा आसान सा 12 12 नेक्स्ट स्क्वायर को स्क्वायर बनाना है टू अपोज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड टू फ्रॉम टी मीन टू अपोज वर्टिसेस ऑन द प्लेन फर्स्ट एंड टू वर्टिसेस ऑन प्लेन सेकेंड दो पैरेलल प्लेन है एक पर दो वर्टी से एक पर दो वर्टिक है स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर की साइड लेंथ क्या होनी चाहिए ट्वेल्व तो वो है अपने जो प्लेन के बीच की डिस्टेंस है दस यूनिट उससे थोड़ी सी ज्यादा तो ये भी बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि पॉसिबल है अब कई बार बच्चे क्या एग्जाम में एकदम नहीं सोच पाएंगे यार कैसे बनेगा टेन का तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपकी छत है और एक फ्लोर हो गया दोनों के बीच की डिस्टेंस है टेन यूनिट अब फ्लोर वाला ये प्लेन हो गया नीचे वाला प्लेन इस पर कोई भी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए जिसके साइड लेंथ क्या ट्वेल्व यूनिट अब वो इस प्लेन में है अब उसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर उठाइए एक साइड से एक साइड से उठाएंगे आप एक साइड जो बचेगी वो तो उसी प्लेन में रहेगी बेस में और इधर से उठाते जाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर वाले प्लेन को टच कर जाएगा क्योंकि पूरा खड़ा नहीं हो पाएगा अपने लेंथ कितनी ली है ट्वेल्व और दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है टेन तो वो आपका आगे जाके ऊपर टच कर जाएगा तो ऐसा कोई स्क्वायर बन जाएगा जिसकी दो वर्टिक्स ऊपर दो वर्टिक्स नीचे वाले प्लेन पर और उसकी लेंथ ट्वेल्व यूनिट्स है तो यह भी आसान सा क्वेश्चन है क्वाइट बट ये डी ऑप्शन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कैसे बनेगा तो जो मैं बता रहा हूं आप समझिए कि स्क्वायर लेके से टिल्ट कर दे तो एक साइड नीचे वाले प्लेन पर रह जाएगी दूसरी साइड ऊपर वाले प्लेन पर पहुंच जाएगी तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट वन तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में थे नेक्स्ट तो इसके बाद थे न्यूमेरिकल तो मल्टीपल करेक्ट के यही तीन क्वेश्चन थे इस पेपर में फाइव सिक्स एंड सेवन नाउ एट ये लोग का एक बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत इजी है मतलब इससे इजी तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपन जी एडवांस में काफी आसान सा ए गिवन है बी गिवन है और ये दो लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है एक्स वाई निकाल बस अपने को ये वैल्यूज निकालनी है तो ये ए बी का यहां कैसे यूज करें तो आप देखिए ए थ्री रूट टू है ए स्क्वायर में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा एटीन ए स्क्वायर एटीन हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी लॉग ऑफ एटीन टू द बेस फाइव बाई फोर लॉग एटीन पावर फाइव बाई फोर टू 18 को मैंने ए स्क्वायर लिख दिया तो ये बन गया लॉग ए पावर फाइव बाई टू ए पावर फाइव बाई टू टू दिच इज इक्वल टू फाइव बाई टू ये फाइव बाई टू बन गया अब अपन थाउजेंड ये बात कर लेते हैं B है

b पावर minus थ्री टू द base b, which इज इक्वल टू minus थ्री सिंपल ये वन थाउजेंड एट्टी को यहां पर सब कर दिया तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन क्या बन गया अब टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बड़ा सिंपल फाइव बाई टू टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री टू इक्वेशन टू अन्न सोल्व कर लें एक्स वाई आ जाएगा वहां सब ट्रूट करें और अगर आपको पेपर में चमक जाए तो और फर्जी है कुछ नहीं करना इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक कर दो डायरेक्ट तो जो चाहिए वही एक्सप्रेशन आ जाएगा आपको एक्स वाई अलग भी नहीं निकालना टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स माइनस टू फोर एक्स फोर माइनस माइनस वन फाइव वाई डायरेक्ट आगे फाइव माइनस माइनस थ्री कितना एट तो आपको एक्स वाई सोल्व करने की जरूरत भी नहीं इनफैक्ट डायरेक्ट ही वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो अपने को चाहिए तो ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है लोग का जो बेसिक अपन फंडामेंटल पढ़ते हैं कि लोग तो जाता है कभी कभी पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से बोल सकते हैं सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाडेटिक का फोर डिग्री का पोलिनोम विथ रियल कॉफिशियंट एबीसी रियल है सच दैट एफ ऑफ माइनस वन नाइन एफ ऑफ माइनस वन नाइन है तो आप क्या बोलेंगे वन माइनस ए प्लस बी

अब ये क्वाड्रेटिक है वन ऑफ द रूट इज आयोटा रूट थ्री इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आयोटा रूट थ्री क्वेश्चन में लिखा हो ए बी रियल है ए बी रियल है तो सेकेंड रूट कौन सा होना माइनस आयोटा रूट थ्री करेक्ट आयोटा रूट थ्री माइनस आयोटा रूट थ्री दोनों सम ऑफ रूट जीरो माइनस थ्री ए बाई फोर जीरो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू बी बाई फोर इजिकल टू 3 कितना आ जाएगा तो जीरो आ गया बी आपका आ गया सिक्स ए जीरो आ गया ए बी को यहां पुट कर दिया सी कितना आ गया अच्छा ये माइनस नाइन गिवन था तो आपका सी आ गया माइनस सिक्सटीन ए तीनों वैल्यूज मिल गई तो एफ एक्स क्या बन गया आपने पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव था सोल्व करते तो हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक्स पावर फोर ए जीरो बी को सिक्स रखा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ना एल्फाइल एल्फा टू एल्फाइल फोर ऑल ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट निकाले। ये फोर डिग्री की इक्वेशन है बट आप देख सकते हैं शिडो क्वाडिटी के अगर एक्स स्क्वायर को t मान लू फैक्टर्स हो जाएंगे बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसके फैक्टर्स क्या होंगे एक्स स्क्वायर एक्टेक्स स्क्वायर माइनस टू रूट्स निकाले इक्वल टू जीरो करके तो क्या क्या आएंगे प्लस माइनस आयोटा रूट एट एंड प्लस माइनस रूट टू दीज आर फोर रूट एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री एल्फा फोर इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम पूछा देन मोड़ एल्फा वन स्क्वायर प्लस मोड़ एल्फा टू स्क्वायर प्लस मोड़ एल्फा थ्री स्क्वायर प्लस मोड़ एल्फा फोर स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड रूट टू रूट एट और इसका रूट टू स्क्वायर करके एट करेंगे एट प्लस एट प्लस टू प्लस टू विच इज ट्वेंटी इजी सा क्वेश्चन है ये भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन ये अच्छा क्वेश्चन है आप देखिए मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आजकल आते हैं और आजकल क्या पहले भी आए आते रहे मैट्रिक्स प्लस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है साथ में मिक्स है ना अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो ये एक मैट्रिक्स दे दिया है फोर अनिमेंट से फाइव जीरो और वन हो सकते हैं

इसको अगर एक्सपेंड करें तो कितना आएगा फर्स्ट को रो के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो माइनस ऑफ ई माइनस डी प्लस सी इंटू बी माइनस ए है और अब अपने को पता करना है कि ये या तो वन हो जाए या फिर माइनस वन हो जाए वेर ए बी सी डी ई कैन बी आइदर जीरो और वन ये कैसे चेक करें अपन सबसे पहले देखते हैं अपन यहां से सी क्या हो सकता है क्योंकि सी अगर मैं लिख दूंगा तो फिर तो सिंपल सी बात है तो पहला केस में कंसिडर करूं जब सी जीरो हो जाए सी क्या हो सकता है तो जीरो वन अगर सी जीरो हो गया, हो गया तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा सी को जीरो लिखा तो यह आएगा डी माइनस ई अब ये वन या माइनस वन कैसे हो सकता है ये वन या माइनस वन कैसे हो सकता है तो ये पॉसिबल है कि डी जीरो हो जाए ई वन हो जाए और डी वन हो जाए एंड ई जीरो हो जाए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब इस केस में आप क्या करा सी डी ई तो फिक्स हो गया सी डी ई फिक्स हो गया तो बचा क्या गया यार? A और बी उन पर तो कोई कंडीशन नहीं आई तो ए एंड बी कुछ भी हो सकता है या तो जीरो तो चूज करने के टू वे बी को चूज करने के टू वे ऐसे इसमें ए को चूज करने के टू वे बी के भी टू तो फोर फोर तो जब सी जीरो है तो ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है एट मैट्रिसेस सी जीरो अब बात करें वन सी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सी वन हो जाए नॉन जीरो तो फिर क्या होगा वन ही होगा सी को वन लिखा तो डिटर कितना आएगा सी वन यह आएगा बी प्लस डी माइनस ए माइनस ई और ये वैल्यू होनी चाहिए वन या माइनस वन सी को अपने वन लिख दिया सी फिक्स हो गया ए बी डी ई को अपने को एज्यूम करना है कि ये क्या होगा जीरो होगा या वन होगा तो अब यहां देखिए क्या हो सकता है सारे जीरो हो सकते सारे वन हो सकते सकते हैं हैं सारे कुछ वन, कुछ जीरो तो मैं पॉसिबिलिटी देता हूं सबसे पहले चारों जीरो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कोई एक वन हो जाए कोई एक वन हो जाए और तीन जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी या तो वन या फिर माइनस तीन टर्म तो वैसे ही जीरो हो गई तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है चार में से कोई एक वन हो जाए फोर सी वन चार केस तो ऐसे बन सकते हैं जब एक टर्म को वन लिख दिया बाकी तीन को जीरो लिख दिया तो डिटर्मिनेट वन या माइनस वन आ जाएगा दूसरी पॉसिबिलिटी चार में से दो वन हो जाए दो जीरो हो जाए अगर दो टर्म को वन और दो टर्म को जीरो लिखोगे तो डिटर्मिनट क्या आ सकता है सपोज दोनों वन यहां लिख दिए दोनों जीरो यहां तो डिटर्मेंट टू आ जाएगा जो मुझे चाहिए वो नहीं आएगा दोनों जीरो इधर किए दोनों वन इधर किए तो माइनस टू आ जाएगा एक वन इधर एक वन उधर तो फिर तो जीरो आ जाएगा मतलब वन माइनस वन तो नहीं आएगा नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चारों वन भी नहीं हो सकते हैं। चार में से तीन वन हो जाए चार में से तीन टर्म अगर वन हो गई और एक जीरो हुआ तो फिर या माइनस तो वन, वन क्लियरली दिख रहा है तो चार केस ऐसे बन सकते हैं तो टोटल कितने बन रहे हैं एट इधर ईट इधर टोटल बनेंगे सिक्सटीन ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इनफैक्ट मैट्रिक्स से आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैट्रिक्स और पी एनसी आपको मिक्स करके दे कर